तो देखिए हम लोग हेनरीज लॉ से न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल किया था, तो आपको बताया गया था कि हेनरीज लॉ ने ये कहा कि जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉलिडिटी ज्यादा होगी, तो ये हेनरीज लॉ का फॉर्मूला आया था। आपने हेनरीज लॉ का लिमिटेशन पता कि भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिडिटी ज्यादा होगी, लेकिन लिमिटेशन ये है कि बहुत ज्यादा प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ही लो नहीं रहना चाहिए, और गैस और वाटर के बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन हो। ये था कि गैस इज नॉट हाईली सोलुबल। उसके बाद आपने केज की मीनिंग पढ़ा, केज की वैल्यू हायर होगी तो सॉलिबिलिटी घटेगी, ये आपका रूल बताया गया था, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए मैं न्यूमेरिकल एक किया था, एक ही हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था। चलिए अब मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जिस पर आपके 12th बोर्ड के सारे क्वेश्चन उसी पर, तो इस न्यूमेरिकल पर खास ध्यान देंगे। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं खुद समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ KH फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ O2 गैस इन वाटर इज 4.27 4.34 × 10⁵ atm। Calculate the solubility of oxygen gas in water, ब्रैकेट में सॉलिडिटी जो निकालना है वो मोल पर लीटर में निकालना है। इफ इट एग्जर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 280। सारे लोग ये पूरा क्वेश्चन लिखिए। तो एक क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। ठीक, अब सारे लोग इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को अगर समझ गए इसके बाद 3-4 न्यूमेरिकल इसी पर होगा। हाँ वेरी गुड। देखिए यहाँ पर सॉलिबिलिटी कहा है मोल पर लीटर में निकालने के,
अगर सिर्फ सॉल्युबिलिटी का था तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताएं सर। आवाज आ रही है सबको मेरी? अच्छा चलिए ठीक है। नहीं, एक स्कैन में लिख कर भेजा, आवाज नहीं आ रही है भाई। आवाज तो आ रही है, आवाज तो आनी चाहिए ना, बहुत वॉल्यूम कम है आवाज की। अरे आवाज का वॉल्यूम कम है बहुत ज्यादा है। चलो यहाँ देखो, कहा यहाँ देखो सारे लोग, सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में निकालना है, तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल में जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्युबिलिटी है, और यहाँ सॉल्युबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन यहाँ कहा है मोल पर लीटर में निकालने के लिए। तो देखिए सारे लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला गौर से सुनिएगा, पी इज इक्वल टू के एच एक्स बी। तो हमने सॉल्युबिलिटी कहा है तो एक्स बी इज इक्वल टू पी बाई के एच। तो पी आपके पास है 280 एम, के एच है 4.34 × 10⁵। अगर सिर्फ सॉल्युबिलिटी कहता तो यहां तक आंसर था, लेकिन यहाँ मोल पर, अब एक्स बी को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना। पहले यहां तक लिखिए जल्दी से सारे लोग। तो आपके पास जो एच बी आया पी बाई के एच आया तो 2/4.34 × 10⁵। तो अब हम एक्स बी को देखें, सिर्फ एक्स बी को सारे लोग ध्यान दें कि एक्स बी को हम मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए एक्स बी को क्या लिखते हैं हम लोग, एन ए बी बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी, क्लियर है यहां तक? अब देखिए एन बी, अब गौर से सुनना अच्छे से। एक स्टूडेंट है उसके पास दिमाग नहीं है, उज्मा नाम की जो है भाई, उसने पार्शियल प्रेशर 280 एम लिखा हुआ है। ऐसा ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं टीचर को, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है क्या, दिमाग उमाग नहीं है? प्रेशर 280 एम लिखा हुआ तो लिख रहे हैं कि क्यों क्यों ले लिया, कहां से आया, क्वेश्चन को देखा करें प्लीज, डिस्टर्ब ना करें यहाँ क्लास। आदमी पढ़ा ही नहीं पाता सही से, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं 280 एम कहां से आया। तो यहां देखें एस बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, हेनरीज लॉ के तमाम न्यूमेरिकल में, पहले अभी गौर से सुनिए, हेनरीज लॉ जो होता है वो डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डायल्यूट का मतलब होता है जब सॉल्यूट कम हो। मैं उसको रीजन के साथ लिखवाऊंगा। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एन ए इज वेरी ग्रेटर देन, तो आप एक्स बी को एन बी बाई एन ए लिखेंगे। मैं अभी मैथ से प्रूफ भी करूंगा कि हमने बी को क्यों नेग्लेक्ट किया, आपको डाटा से भी साबित होगा। अभी 5 मिनट थोड़ा सब्र कर लो। तो एक्स बी को हम न्यूमेरिकल में एन बी बाई एन ए लिखा, एन ए बहुत ज्यादा होगा सर आपको कैसे मालूम, पहले हम बोल देते हैं डायल्यूट है, और अभी डाटा से देखिएगा सॉल्यूट का जो मोल आएगा वो बहुत ही कम आएगा। एन बी का मतलब होता है सॉल्यूट, ए का मतलब होता है सॉल्वेंट।
अब हमें ए निकालना है, तो देखिए इस न्यूमेरिकल में ए का मतलब है वाटर, इस न्यूमेरिकल में वाटर का नाम कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको निकालेंगे 1000/18, इसलिए हमने आपको सिखाया था 55.5 में। मैं दोबारा बताऊंगा ये कैसे हुआ। आपको कह रहा है सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में, इसलिए इस न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से समझिए। ये न्यूमेरिकल ऐसा कराया जा रहा है जिससे कि आपको आगे के 3-4 न्यूमेरिकल अपने आप होंगे। मैं 2-3 दफा रिपीट कर करके समझाऊंगा, बस आप अभी कोई मैसेज नहीं करें, चुपचाप से समझें पहले, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। तो XB को NB by NA plus NB लिखते हैं, हमने NB को नेगलेक्ट कर दिया तो NB by NA लिखा। अभी इसमें थोड़ा सब्र करेंगे, वो आपको प्रूफ हो जाएगा कि B को क्यों नेगलेक्ट किया। A क्या है? सॉल्वेंट है। अब यहां पर सॉल्वेंट, इसलिए मैंने कहा था मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर मैं सबको निकलवाना सिखाया था 55.5 मोल पर लीटर, सबको मैंने सिखाया था आपको। अब ये कैसे हुआ, तो आपको मालूम है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। डेंसिटी 1 होने का मतलब होता है जितना वाटर का मास होगा उतना वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, पर लीटर का मतलब 1000 ml, और 1000 ml ऑफ वाटर का मतलब हुआ 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि वॉल्यूम और मास सेम रहेगा तभी कैंसिल होके वन आएगा, इसीलिए यहां पर गिवन मास का ही मोलर मास। कोई भी कंफ्यूज करे, 1000 नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ नहीं है। हम हेनरीज लॉ के तमाम न्यूमेरिकल का ये की लाइन है 55.1। तो आप लोग बस बताइए ये वाला सबको समझ में आया, ये वाला तो मैं आगे बढ़ू, ये वाला आया वाटर का मोल 55.5 कैसे आया, ये सबको समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताइए। कोई भी हाँ इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, आप आइए। चलिए पहले आप लोग यहां तक लिख लीजिए, बस इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझिए, जल्दी जल्दी लिखिए। आज हेनरीज लॉ का पार्ट खत्म होगा और नेक्स्ट क्लास कोई छोड़िएगा नहीं, रॉल्स लॉ वगैरह शुरू होगा। अब आइए आप लोग लिखिएगा नहीं, XB=P/KH आया तो 2/4.34×10^5 हुआ। XB को NB/NA लिखेंगे, 2/4.34×10^5 हुआ। तो ध्यान दीजिए NB/NA को 55.5 लिखेंगे, 2/4.34×10^5 हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2×55.5, सारे लोग ध्यान देंगे लिखेंगे नहीं। आप देख लीजिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा प्लीज सारे लोग ध्यान दें, 10^5 ऊपर जाके माइनस में आएगा, तो बताइए सॉल्यूट का मोल बहुत ही कम है कि नहीं, सारे लोग लिख के बताइए सॉल्यूट का मोल कम है या नहीं, यस या नहीं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बहुत कम है, बहुत कम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बार बार रीजन हम हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल में XB को NB/NA लिखें और बाद में न्यूमेरिकल के बाद में कंक्लूजन लिखाऊंगा, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन नॉट कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो देयर इज अ लड़ाई बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। लड़ाई नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होने के लिए सॉल्यूट कम होना चाहिए, इसीलिए हेनरीज लॉ डाइल्यूट के लिए वैल्यूड है।
पहले ये लाइन बोलता था आपको सही से समझ में नहीं आता, यहाँ डाटा से भी साबित है सॉल्यूट का मोल कम है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब आपको सॉलिबिलिटी निकालना है किसमें भाई, मोल पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो 2 × 55.5 4.34 × 10⁵। अब आप बताइए सारे लोग 55.5 मोल कितने लीटर में आया है, 1 लीटर में आया ना, मैंने जो 1000 वाला लिखा था 55.5 मोल कितने लीटर वाटर का मोल है, जल्दी लिखकर बताइए 1 लीटर। हाँ 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तभी तो 1000 ग्राम लिया गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो दैट द रीजन वॉल्यूम भी 1। तो जो मोल्स आएगा ना, जो मोल्स आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो दिस इज द आंसर मोल पर लीटर। तो ये न्यूमेरिकल, ये आपका आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, XBP/kH NB/NA निकाल लेना है, बोर्ड के एग्जाम में पूरा करके दिखाना है कि 55.5 मोल कैसे आया। पुट कीजिए, NB निकालिए, वॉल्यूम 1 लीटर है मतलब 1000 ml है, उससे डिवाइड कर दी। बोलिए आया आपको समझ में, तो दिस इज द आंसर। तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आना चाहिए। दर्जन हानू आया आपको समझ में, एम दर्जे हानू आवाज आ रही है मेरी, दर्जे हानू समझ में आया? हाँ इसको सॉल्व अपना घर पे कर लीजिएगा। बताइए सबको समझ में आया, आगे बढ़े। तो देखिए ये न्यूमेरिकल अगर आपको आ गया, मैं आगे हूँ, हाँ वेरी गुड, ये न्यूमेरिकल आ गया, तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, यही एक ही न्यूमेरिकल था, अब 55.5 कैसे आया ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये आप अपने से कीजिए। द वैल्यू ऑफ के एच फॉर N2 गैस डिसॉल्व इन वाटर इज 76.48 किलो बार, assuming N2 gas exerts partial pressure of 0.987 bar. What milli mole of nitrogen gas dissolved in water? ये पूछ रहा है milli mole 76 milli mole, पहला आंसर 71.6 milli mole, C 0.16 मिली मोल, डी ऑप्शन आपके पास है। सेवन 25 मिली मोल, एकदम आसान है। मिली मोल को छोड़िए, मोल निकाल लीजिए, मोल आपको दिया हुआ है, अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जिस तरह भी मैंने किया है उसी तरह ये क्वेश्चन होगा।
725 है ये, 725। ठीक है दौड़ हानू, ठीक है चेक कर लेते हैं। ओके तो केस की यूनिट चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, चलिए मैं बनाता हूँ। आपको केस की ऑफ N2 गैस डिजॉल्व इन वाटर इतना दिया हुआ है, तो P = KHXB, तो XB = P/KH, तो P कितना दिया हुआ है 0.987 और केस दिया हुआ है 76.48 × 10³। क्यों 3? अच्छा एक करेक्शन कर लीजिएगा, एक एक एरर है इस क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ केस इंटू द डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर लिख लीजिए, 1 लीटर ऑफ वाटर, ये मिसिंग डाटा था 1 लीटर ऑफ वाटर। सारे लोग लिख लिया 1 लीटर ऑफ वाटर, क्वेश्चन में 1 लीटर ऑफ वाटर लिख लीजिए, बताइए लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, अब देखिए XB को NB/NA लिखेंगे। हाँ वेरी गुड, 0.987 76.48 × 10³। अब देखिए 1 लीटर का मतलब, दोबारा सुनिए, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो वाटर का मास बोर्ड के एग्जाम में पूरा लिख कर दिखाना है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जितना वाटर का मास होगा उतना ही वॉल्यूम, तो ये आपके पास हो गया 1000/18 55। हाँ कॉम्पिटिशन में हो डायरेक्ट 55 लिख दीजिए। तो यहाँ NB आ गया 0.987 × 55.5 76.48 × 10³। तो इसको देखिए 3 को छोड़ दीजिए, तो ये जो आएगा 0.16 × 10⁻³ - 3 मोल। हमने पहले मोल में, क्योंकि 1 मिली मोल में कितने मोल होते हैं 10⁻³, इसीलिए इसको लिख दिया गया इतना मिली मोल। सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए एक बात बताइए, सेकंड क्वेश्चन के ही तर्ज पर है कि नहीं, जल्दी बोलिए, तो सेकंड क्वेश्चन के ही तर्ज पर है कि नहीं, बोलिए जल्दी। हाँ बस 55.5 का वो एक था, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बस सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, घबराइए नहीं, एक एक क्वेश्चन आपसे होगा। ठीक है सबको समझ में आ गया, सबको बताइए सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी रिस्पॉन्स करें। अच्छा लास्ट स्टेप, अच्छा लास्ट स्टेप, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं। NB जो हुआ ना, यहाँ देखिए यहाँ से NB/NA, तो NA की वैल्यू का एक स्टेप बढ़ा देते हैं, NA का मतलब 55.5, 0.987, 76.48, 10³। तो NB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू पुट कर दीजिए, 10³ को ऊपर ले जाइए -3, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो 0.716 आएगा। तो मोल के फॉर्म में आंसर चाहिए। अब एक बात बताइए,
2 मिलीमोल को क्या लिखेगा, 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल, तो वही है, इतने को क्या लिख जाएगा मिलीमोल, मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, आप 10 टू द माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर अगर मोल में जाता तो ये वाला आंसर होता, मिलीमोल में आया तो इसलिए ये लिख दिया। बोलिए आया कि नहीं आया? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी पर कीजिए, दो तीन नुमेरिकल करके पूरा हेनरीज लॉ की थ्योरी तो मैं पूरा समझा चुका हूँ आपको। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ के एच फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml ऑफ सोडा वाटर when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure, A option 2 gram, B option 1.82 gram, C option 1.67 gram and D option 2.86 ग्राम। बस उसी तरह न्यूमेरिकल होगा, मोल्स निकाल लीजिए और मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत बेहतर, बहुत अच्छे सारे लोग, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे बेलाल, बहुत अच्छे बेलाल, सब लोग ट्राई कीजिए, गलत क्या सही ट्राई करते रहिए। होमेरा का आंसर बी है। जोया को समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे कुछ लड़के जाते आते रहते हैं, अल्लाह मालूम क्या चक्कर है, कैसे समझ में आएगा उनको। अल्लाह बी आंसर, बहुत आसान है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्जे हानु बी, एम दर्जे हानु, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए। आपके पास पी इक्वल टू के एच एक्स बी, दिस इज द हेनरीज लॉ। तो देखिए XB is equal to P by KH, प्रेशर कितना है 2.5, ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 ATM लगभग 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये मैंने आपको सिखाया था। और इसको अगेन NB by NA लिखिए, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1.67। अब यहाँ पर Na जो है वो वाटर का मोल है, उसको 500 बाई 18 करेंगे, 27 बाई 20,
बताइए सारे लोगों ने किया था कि नहीं। यहाँ 500 ml लिख दिया है तो 500 ग्राम 55.5 का आधा होगा। बोलो आया समझने की नहीं। इसलिए क्वेश्चन को, हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन को सतर्क होके करोगे। 55.5 मोल 1 लीटर में है, हाँ 55.5 मोल 1 लीटर में। अब Nb is equal to 2.5 10 to the power minus 3 27.7 by 1.67। अब आप इसको मास में कन्वर्ट करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे तो अब देखिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाइड करेंगे 44। ये आपका आंसर आएगा 44। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड का मोल ग्राम मोलर मास। तो मास निकालने के लिए मोल को उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपको जो आंसर आएगा 2.5 × 27.7 × 44 समझा कि नहीं, डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 1000 तो 1.82 आएगा, 1.82 आंसर आएगा। तो देखिए एक ही तर्फ पर सारा न्यूमेरिकल है तो क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1.82 ग्राम आया। सच सच बोलिए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए प्लीज, सारे लोग मिलके बोलिए। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिए अब हम हाँ एक न्यूमेरिकल और कराएंगे उसके बाद एक थ्योरी, इसका लास्ट एक न्यूमेरिकल के बाद एक थ्योरी कराएंगे फिर दो न्यूमेरिकल कराएंगे। मैं एक एक न्यूमेरिकल क्लास के अंदर ही करा देता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बात का चक्कर ना रहे पूरा। हाँ अब सुनिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 m, m का मतलब मोलालिटी है ये। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH, कैलकुलेट द, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तुम लोग पहले बनाए ऑप्शन हम दे देंगे। ऑप्शन आपके पास है, टू नाइन्टी बार बी ऑप्शन है, 280 बार सी ऑप्शन है, 287 बार डी ऑप्शन है, 285.6 बार। इस तरह का है, आप सारे लोग पढ़के दिखाइए, बार में आंसर है। हाँ बहुत अच्छे, सारे लोग ट्राई कीजिए। एहसान एहसान भाई को समझ में आ रहा है भाई? ओके ओके ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान दिया गया, वेरी गुड वेरी गुड।
बस इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल और फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, जल्दी लिख जाए। चलिए चेक कर लेते हैं, सारे लोग ध्यान दें। देखिए आपको केच कहा और केच की यूनिट बार में है। देखिए P इज इक्वल टू केच एक्स बी। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो पूरा डाटा को देखिए, मोलालिटी आपको दी हुई है, सारे लोग ध्यान दें, मोलालिटी 0.195 मोल पर केजी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस डाटा से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया 0.195 मोल। वाटर का मोल NH2O जो है 1000/18 55.5, देखिए 1000 ग्राम 55.5 मोल। सक्सेस बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सक्सेस बोलो, लिख लो जल्दी से। बस अब कुछ है ही नहीं, वैल्यू पुट कीजिए आपको बन जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एहसान देखो, जी निकालना है तो 12+B वाले बैच में आना होगा। हाँ हाँ, नोट्स तो देखिए, नोट्स तो आप अच्छे से बना लिए। मेरे नोट्स बहुत मशहूर है भाई, आपको एक एक पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिए। जिसको 12th नीट करना है 12th नीट में रहे, हम देंगे नोट्स थोड़ी ना, आपको ये नोट जो लिखवा रहा है आप कॉपी में नोट करें। एक पूछ रहा है कि आप नोट्स देंगे, ये भाई लिखवा रहा है यही नोट्स है, अल्लाह रहम करे, नोट्स कॉपी में अच्छे से बनाए। नोट्स आप कॉपी में बनाए। चलिए आप सुनिए अच्छे से, अब यहाँ पर आपको क्या है भाई, सारे लोग ध्यान दें। एम पी सेकंड टू के एच बी, सुने सारे लोग प्लीज, पी सेकंड टू के एच बी। तो यहाँ से आप के इक्वल टू, या देखो P इज इक्वल टू प्रेशर कितना लोगे, 1 atm, STP पर 1 atm होता है, क्योंकि क्योंकि केज की यूनिट आपको बार में दी हुई है तो 1 bar भी ले सकते हैं। 1 atm 1 bar ऑलमोस्ट सेम होता है, तो 1 इज इक्वल टू, केज मालूम नहीं इसको NB/NA लिख सकते हो, तो केज इज इक्वल टू हो जाएगा NA/NB। What is NA 55.5? देखो यहाँ पर भी तुम वैल्यू पूछ, देखो 0.195 इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर लगभग आएगा वो आपके पास आंसर आएगा, समझा कि नहीं, 55.5 को डिवाइड कीजिएगा 0.195 से तो आपको 285 वही डी ऑप्शन लगभग आएगा आपको आंसर 285.6। बोलो आया सबको समझ में? बताओ ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ वेरी गुड बिलाल भाई, बहुत अच्छे हैं आप बिलाल भाई। हाँ इस बैच में सिर्फ बोर्ड लेवल है, अब बोर्ड लेवल को भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर। अब चलो हेनरीज लॉ का एक लास्ट न्यूमेरिकल, अब दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो द पार्शियल प्रेशर, उसके बाद हम लास्ट थ्योरी पढ़ा देंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। सारे लोग नोट्स अच्छे से बनाओ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इन सोल्यूशन
containing 6.5, 6.10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what should be partial pressure of ethane? This numerical is important. इसमें मास दिया हुआ है, सारे लोग ध्यान देकर बनाओगे. आपको ऑप्शन दिया हुआ है 76.21 बार, बी ऑप्शन है 7.62 बार, सी ऑप्शन है 8.62 बार एंड डी ऑप्शन है 0.62 बार. ये आपके पास ऑप्शन है. उसके बाद अब हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको. एक थ्योरी रह गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके फरजान, चलिए चलो और से सुनो अच्छे से. इस क्वेश्चन को दो मेथड से करते हैं, सारे लोग ध्यान दो. मेथड फर्स्ट, तो देखो मेथड फर्स्ट और से सुनो अच्छे से. अब ध्यान देना, पी इज इक्वल टू के एच एक्स बी होता है. प्लीज यहां देखो, सारे लोग ध्यान दो. तो हमने क्या किया, पी वन KH1 XB1, P2 KH2 XB2. अब ध्यान दो सारे लोग प्लीज, दोनों का रेशियो ले लो. तुम देख लो दोनों सॉल्यूशन में एक ही गैस है इथेन. जब एक ही गैस इथेन है तो दोनों का केस सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपको बचेगा क्या, एक्स बी वन एक्स बी टू. बोलो आया कि नहीं सबको समझ में. बोलो यहां तक आया, केस केस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इथेन गैस है. वेरी गुड वेरी गुड. अब सुनो सारे लोग सुनो अच्छे से. हाँ वेरी गुड. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना. तो देखो पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कैंसिल. तो यहाँ क्या बचेगा, एन बी वन एन बी टू, यही तो बचेगा कि नहीं. बोलो, अरे टोटल मोल्स नीचे का दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग बताओ. स्टेप बाय समझो, क्लियर है यहाँ तक. वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. अब सुनो दोबारा सुनो प्लीज. हाँ हाँ बहुत अच्छा. अब देखिए अब देखो दोबारा पी वन बाई पी टू. उसके बाद मैं डायरेक्ट एक लॉ बता दूंगा, इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखना है. पी वन बाई पी टू. अब सुनो इधर, एन बी सारे लोग सुनना, एन बी को क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास. इसको भी क्या लिखोगे, गिवन मास बाय मोलर मास. तो यहाँ दोनों केस में गैस कौन है, इथेन. तो इथेन का मोलर मास दोनों में सेम होगा, तो क्या बचेगा, डब्ल्यू मास वन बाई मास टू. दोनों का मोलर मास फिर कैंसिल, क्योंकि इथेन इथेन है दोनों में. अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, मास अलग अलग है, मोलर मास तो इथेन का सेम ही ना होगा. बस पी वन वन बार दिया हुआ है, बोलिए पी वन वन बार, पी टू मालूम नहीं. जब वन बार था तो मास कितना था, 6.56,
10 to the power minus 3, m2 कितना है 5, 10 to the power minus 2, तो p2 is equal to 6.56, 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 2. ये तो पूरा डिटेल में हो गया, उसके बाद आपको मैं एक किस्सा बताऊंगा, उससे आपको डायरेक्ट हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो आपको सॉल्व करके आएगा 6.56 divided by 5, which is also divided by 10. अच्छा ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, sorry sorry for that, ये जानबूझ के किया था मैंने, आपका ध्यान है ना, 6.56 10 to the power minus 10, ये अब हुआ, तो 5 divided by 6.56 into 10, तो ये आपको आएगा 7.62 bar. बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, सब तक बोलिए. सब बोलिए आए, सबको समझ में आया. सब बोलिए, दिस न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट, सब बोलिए. हाँ, तो ये मेथड सेकंड था. अब इसके बेसिस पर सुनो अच्छे से, कंक्लूजन, इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर कंक्लूजन. देखो इलेवेंथ में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है, द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व. मैंने क्या कहा था, बोर्ड लेवल में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना जो लिखा गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इस लिहाज से बता दिया. लेकिन डायरेक्ट कैसे करना हो, द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. ये भी हेनरीज लॉ, और ये स्टेटमेंट इलेवेंथ के एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम में है. तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज इक्वल टू k h p. देखो मैंने प्रूव भी कर दिया, देखो यार p1 by p2, m1 by n2, इससे साबित हुआ कि नहीं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. तो हेनरीज लॉ का ये भी एक बनाकर फॉर्मूला याद रखो, तो इससे तुम डायरेक्ट कर सकते हो m1 by m2 is equal to p1 by p2. हेनरीज लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, बोर्ड लेवल पर जो याद रखना है वो है p is equal to khb. हाँ, जी और नीट के सिलेबस में ये भी पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने जानबूझ के इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर ये भी लिखा दिया कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डेराइव डेरिवेशन मैंने आपको सिखा दिया. बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये कंक्लूजन लिख लीजिए. अरे बोलिए ना कुछ. हाँ, अब अगर किसी को न्यूमेरिकल नहीं आया तो कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल हराम है, फिर भी कत्ल कर दिया जाएगा. टॉपिक लास्ट लिखो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. पूरी बात आपको पढ़ाई जाएगी कि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपसे बने. एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, पहला सारे लोग जल्दी जल्दी लिखो, इसमें जहां पे समझने की बात है लिखो. पहला, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर
अंडर हाई प्रेशर, तो क्या है जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो सील्ड किया हुआ क्यों मिलता है? वही कहेगा बिकॉज हेनरी ब्लॉक की, जब सील्ड किया हुआ रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। पहला एप्लीकेशन बहुत आसान, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लोग ध्यान दो, सेकंड एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट ग्रेटर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज लेस। तुम जानते हो ना, जितना ऊंचाई पर जाते हो तो पार्शियल प्रेशर कम मिलता है, इसलिए कोई भी क्लाइंबर एवरेस्ट हिमालय पर जाता है तो ऑक्सीजन का टैंक लेके जाता है। अर्थ सरफेस पर प्रेशर ज्यादा, क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, एटमोस्फेयर के तमाम गैस को अपनी तरफ खींचती है। तो जहां अर्थ सरफेस पर गैस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, इसलिए हम आसानी से ऑक्सीजन गैस सांस में लेते हैं। लेकिन ग्रेटर एल्टीट्यूड में द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज लेस, ड्यू टू विच देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ पीपल एट ग्रेटर अल्टीट्यूड। जिस ग्रेटर अल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड कॉजेज द डिजीज कॉल्ड एनोक्सिया। एनोक्सिया पूछ देगा बोलने वाले, व्हाट इज द एनोक्सिया? एनोक्सिया का दूसरा नाम अल्टीट्यूड सिकनेस। तो कोई भी पूछ देगा व्हाट इज द एनोक्सिया, तो यही कहेगा ग्रेटर अल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे कि एक डिजीज होती है जिसको एनोक्सिया कहते हैं। जब आपको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पीपल बिकम्स वेरी वीक एंड सोचने की सलाहियत घटेगी। बताइए सेकंड एप्लीकेशन आया समझ में? ए अल्लाह कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलते भी नहीं, बाहर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग कि सर समझ में आ रहा है, वाहवा करना ना चाहिए। अल्लाह अकबर, तभी तो टीचर खुश होगा भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आइए एक लास्ट एप्लीकेशन है, उसको लिख लीजिए, उसको हम आपको समझाएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा एप्लीकेशन सी डाइवर। सी डाइवर कहते हैं गोताखोर को, जो बहुत गहराई में जाता है, स्कूबा डाइवर भी कहते हैं। पहले लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ना, मैं सबको अच्छे से समझा दूंगा। स्कूबा डाइवर यूज एयर टैंक, ये भी एयर टैंक सिलेंडर लेके जाता है, लेकिन आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, उस एयर टैंक में डाइल्यूटेड विथ हीलियम। अभी सब्र करना है, हीलियम क्यों लिया गया वो हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन को एक छोटे सामने लिखवा देता हूँ। सी डाइवर स्कूबा डाइवर यूज एयर टैंक डाइल्यूटेड विथ हीलियम, क्यों? टू अवॉइड अ कंडीशन कॉल्ड बेंड। बेंड भी एक डिजीज होती है,
जिसका दूसरा नाम है कंप्रेशन सिकनेस, से पहले था ऊंचाई वाला सिकनेस और ये है गहराई वाला। अब ये क्या होता है वो सब समझाया जाएगा। तो वही कहा गया स्कूबा डाइवर जो एयर टैंक लेके जाता है उसमें हीलियम मिलाता है, हीलियम क्यों मिलाता है, ब्रेन्स डिजीज को दूर करने के, व्हाट इज द ब्रेन वो पढ़ाएंगे, एज वेल एज एंड टू मिनिमाइज द टॉक्सिक अफेक्ट, टू मिनिमाइज द टॉक्सिक अफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एन टू इन द ब्लड। दो चीज को बना ये करता है, एक तो ब्रेन से भी बचाता है और नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को भी कम करता है। अब ये कैसे होता है ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, पहले ये पॉइंट लिख लीजिए, याद रखिए चाहे ऊंचाई पर जाते हैं या गोताखोर यानी बहुत ही गहराई में जाते हैं, दोनों जगह एयर टैंक, लेकिन गोताखोर स्कूबा डाइवर जो एयर टैंक लेके जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें एयर टैंक का जो इस्तेमाल करता है तो उसमें याद रखिएगा हीलियम गैस मिलाया जाता है। पहले बताइए ये वाला पॉइंट पहले यहां तक आया सबको समझ में, हाँ मैं इसको पूरा, हाँ ये तीन एप्लीकेशन, हाँ ये मैंने जानबूझ के लास्ट में लिखा है कि मैं इसको अच्छे से नीचे समझा पाऊं। पहले तीन एप्लीकेशन सबको समझ में आया, दो डिजीज हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन पर दो डिजीज याद रखे, एनोक्सिया एंड बेंच। एनोक्सिया का दूसरा नाम अल्टीट्यूड सिकनेस और बेंच का नाम डीकंप्रेशन सिकनेस। एनोक्सिया में है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसलिए, बेंच में हीलियम गैस को मिलाया गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि एयर टैंक में ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हीलियम की परसेंटेज बताइए। अगर एनसीईआरटी में परसेंटेज लिखा है तो ये जरूर पूछेगा, कभी कभी पूछ देगा। तो ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा, आज इतना ही। बाखुर दबाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ा के हम लोग राउट लॉ के टॉपिक पढ़ेंगे। बोलिए सबको समझ में आया या नहीं आया?